अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कटलेट्स, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसे हल्का भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। प्याज अब सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च डालेंगे। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर दिया है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके बाद इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हमने 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया, हमने इसे बॉईल कर दिया। बॉईल करते वक्त हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला। अब इसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े साइज के आलूओं को हमने बॉईल कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे और 1/2 नींबू का रस हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन को बॉईल करते वक्त और आलू को बॉईल करते वक्त इसमें नमक ऐड किया था। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप चखकर इसमें नमक ऐड करें। मिश्रण तैयार है, अब हम इसे ठंडा कर देंगे। मिश्रण अब ठंडा हो गया है। 1 अंडे को हमने फेंट लिया है। अब हम इसके राउंड शेप में कटलेट्स बना देंगे। इस तरह से अब हम कटलेट्स को अंडे में डिप कर देंगे और इस पे ब्रेड क्रम कोट कर देंगे। इस तरह हम सारे कटलेट्स कोट कर देंगे। कटलेट्स हमने बना दिए। तेल भी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड से होने के बाद हम इसे पलटा लेंगे। एक साइड से ये लाल हो चुके हैं। अब हम इसे पलटा के दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के कटलेट्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन कटलेट बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होंगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।